कुछ खाए तो चबाने ना भाई। ये कोमल है, रेखा है। वेलकम बैक टू आवर चैनल। होप सब लोग ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और आज अभी मॉर्निंग टाइम हो चुका है, रवि जी चले गए ऑफिस और हानिया को आज मैंने स्कूल नहीं भेजा है क्योंकि हानिया की हो गई तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, तो फिर मैंने हानिया को स्कूल नहीं भेजा। कोल्ड हो गया था, थोड़ा फीवर था और इसके रैशेज़ हो गए हैं हाथों में पैर में, तो बस मैंने सोचा घर पर रहेगी तो सही रहेगी, तो इसलिए मैंने हानिया को स्कूल भी नहीं भेजा। ठीक है, और बस अभी हानिया अभी रेडी हो चुकी है नहा के एकदम, और अपना ब्लॉग स्टार्ट कर रही है हानिया। मतलब खुद से अपनी ब्लॉगिंग करने लग जाती है, कभी भी स्टार्ट हो जाती है कोई अच्छा मुझे खांसी हो रही है। हाँ अच्छा, और बताऊँ क्या बताना था। यस, हानिया का मैंने चैनल बनाया हुआ है, अगर आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जाके सब्सक्राइब कर लीजिए। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, हानिया राजावत नाम से इसकी चैनल नेम है, तो आप वहाँ पर जाके इसे सब्सक्राइब कर सकते हो। और बहुत ही इंटरेस्टिंग से ब्लॉग या शॉर्ट्स अभी आपको फ़िलहाल देखने को मिलेंगी जो कि हानिया खुद से अपने लिए बनाएगी, क्योंकि मैं ओनली अपलोड करूँगी और हानिया खुद से शूट करती है वो बनाएगी, और अभी भी सेम यही चल रहा है। तो फिर मैं मिलती हूँ बाद में, दिन में जब भी टाइम मिलता है उसके अकॉर्डिंग ही मिलना होगा, क्योंकि मैंने अभी हानिया का लुक तो दिखाया नहीं है। पहले आप हानिया का लुक तो देख लीजिए, इतनी क्यूट ही पाए। आज हानिया की मैंने पौनी बनाई हुई है, दिखाओ हानिया पौनी दिखाओ तो देखो, इतनी प्यारी सी पौनी बनी हुई है। और ना इसकी तबीयत खराब है, इसका डल चेहरा इसलिए लग रहा है, इतना डल 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 है ना। दिखाओ पौनी दिखाओ, ये देखो कितनी प्यारी सी पौनी बना दी हानिया की। हानिया मम्मा के सब्सक्राइबर्स को कुछ बोलो, देखो कितना प्यारा बोलेगी, बोलो। तो हेलो गाइस, तो मैं हूँ हानिया, और अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। तो ये देखो, ये है हानिया की ब्लॉगिंग, और अच्छे से करती है, अच्छे से बोलती है, और थोड़ा सा बड़ा होएगी ना तो और ज़्यादा अच्छे से ब्लॉग शूट करना सीख जाएगी या बोलना सीख जाएगी। स्टार्टिंग में तो मेरी ब्लॉग्स भी खुद देख लूँ, मैं मेरे को सेंटेंस ही नहीं मिलते थे कि क्या बोलूँ क्या नहीं, बट हाँ अब धीरे धीरे मुझे बोल आ गया है कि मतलब क्या बोलना है। फ्लुएंसी बन जाती है जब ब्लॉग शूट करते हैं उसमें, अब मतलब कोई भी नहीं होता कैमरे के सामने फिर भी शर्म आती है कि क्या बोलें क्या नहीं, कोई सेंटेंस नहीं मिलता मिलने के बोलने के लिए, तो बस ऐसे ही आ जाता, रूटीन हो जाता है तो बस अपने आप ही निकलता जाता है। ठीक है, तो फिर मिलती हूँ मैं शाम को, आज हमें कहीं जाना भी है तो बस मैं मिलती हूँ शाम को। ठीक है, फिर देखते हैं क्या होता है, कैसा रहता है आज का डे। बाय। तो अभी हम जा रहे थे बाहर कहीं, तो अभी हमें रास्ते में क्या पता पता नहीं क्या कुछ खाए तो चबाने आंटी आप आ रही है वीडियो में, आप फिर मेरा वीडियो देखना यूट्यूब पे। तो हम लोग पहुंच चुके थे अपने फ्रेंड्स के यहाँ पे, जहाँ पे डिनर पे हम इनवाइटेड थे, और यहाँ पे हमें स्टार्टर में मिला था ये वेज कटलेट्स एंड ढोकला जो कि बहुत ज़्यादा टेस्टी था। देखो हम, मैं आई हूँ, मैं और रवि जी हानिया हम तीनों ही आए हैं। ये कोमल है, मनोज को जानते हो नहीं जानते हो तो मैं बता देती हूँ उसके वाइफ, और कोई बात नहीं, ये नहीं रेखा है देवरानी जिठानी। तो बस हम, इन्होंने हमें खाने पे इनवाइट किया था तो हम खाना खाने आए हैं, डिनर करने आए, डिनर पे इनवाइट किया था। तो एक तो डिनर तक बहाना है, गेट टुगेदर हो जाता है, थोड़ा मीटअप हो जाता है, तो मतलब रिलेशन अच्छे बने रहते हैं, है ना।
यहाँ देखो हानिया को इसे इतनी सॉस पसंद है ना, तो अपने आप में ही खाने में मस्त है वो। सामने का नुकसान है, सामने का नुकसान नहीं है। मेरी बाइक तो ऐसी है, सामने का नुकसान है, मेरी बाइक नुकसान नहीं है। तो यहाँ पे आ गया हमारा डिलीशियस डिनर, डोसा सांभर सांभर इडली और साथ में बिरयानी, बिरयानी के साथ में बना था सालम। थैंक यू सो मच। ये साथ करते हैं वीडियो का एंड। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो